अंदर से अशांत हो। जो व्यक्ति अंदर से अशांत होता है उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती है। हम लोग व्यक्ति बदलने के चक्कर में हैं, हम लोग वस्तु बदलने के चक्कर में हैं, हम लोग स्थान बदलने के चक्कर में हैं कि ये व्यक्ति बदल जाए, ये वस्तु बदल जाए या स्थान बदल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। न वस्तु बदलने से शांति होने मिलने वाली है, न व्यक्ति न स्थान। यदि बदलना है तो अपनी जीवन शैली बदलिए, अपनी जीवन की क्रियाएं बदलिए। तो ये ऋषि लोग यज्ञ तो कर रहे थे किंतु यज्ञ में समय बचने के बाद भी आपस में एक दूसरे की निंदा स्तुति की चर्चा हो जाती थी। हमारे श्री सुनक जी महाराज के सुपुत्र ने देखा कि उस यज्ञ में यज्ञ के दर्शनार्थ हमारे श्री सूत जी महाराज यज्ञ में कथा करने के लिए नहीं गए थे। सूत जी महाराज तो इसलिए गए थे कि इतने बड़े बड़े महात्मा इकट्ठे हुए हैं, हम उन महात्माओं का दर्शन करेंगे, उन महात्माओं का सानिध्य प्राप्त करेंगे। किंतु महात्माओं ने पहचान लिया कि पुराणों के वक्ता हैं, पुराणों के कथाकार हैं। तो हमारे सुनक जी महाराज के सुपुत्र शौनक ने सूत जी महाराज को व्यासपीठ पर बैठाला, जैसे आज आप लोगों ने शरीर को बैठाला है। और बैठाने के बाद शौनक आदि महात्माओं ने सूत जी महाराज की बड़ी प्रशंसा की। प्रसन्नता से आप देखिए, कभी जब किसी की हम प्रशंसा करते हैं तो प्रशंसा सुनने वाले का चित्त प्रसन्न हो जाता है, और प्रसन्न चित्त आप जिस जहां लगाना चाहो वहां लग जाता है। इसलिए बड़े लोग भी महाराज ध्यान रखते हैं कि छोटों की भी प्रशंसा करते हैं। ध्यान रखिएगा, आप दो चीजें अपने जीवन में जरूर उतारने का प्रयास कीजिए। आपके जीवन में कोई छोटा सा भी हित करे उसको धन्यवाद जरूर दीजिए। आपके मंगल की कामना करने वाले को भी थैंक यू जरूर बोलिए, और छोटी सी भी प्रतिभा हो तो आप उदार दिल बनकर के उसकी प्रशंसा कीजिए। सच कहें, जब हम बोलते हैं तो सामने वाले के गुणों को नहीं बोलते, हम अपने ही गुणों को बोलते हैं। उदार व्यक्ति ही दूसरों की प्रशंसा कर सकता है। जिसके हृदय में कृपणता है, जिसके हृदय में दीनता है, वह जल्दी दूसरों की प्रशंसा नहीं कर सकता है। न वह सौंदर्य की प्रशंसा कर सकता है, न वाणी की प्रशंसा कर सकता है, न धन की प्रशंसा कर सकता है। मैंने तो लोगों से सुना है, अधिकतर लोगों को दूसरों का धन और अपनी बुद्धि ज्यादा लगती है। लोगों को लगता है कि धन उसके पास भले होगा किंतु जितनी बुद्धि मेरे पास है उतनी बुद्धि उसके पास नहीं है। बुद्धिमान मैं ज्यादा हूं और पैसे वाला भले ही उसके भाग्य से, उसकी कुल परंपरा से उसको पैसा मिल गया हो, किंतु बुद्धिमान मैं हूं। ध्यान दीजिएगा, कई बार बुद्धि की प्रशंसा से भी चित्त प्रसन्न होता है। इन्होंने जो प्रशंसा की बड़ी मार्मिक है, वाणी के साथ साथ बुद्धि की प्रशंसा है। इन्होंने कहा कि जैसे सूर्य में प्रभा है, जिस प्रभा के कारण सूर्य में यदि प्रभा न हो तो सूर्य सूर्य कैसा। सूर्य की प्रभा में ही प्रकाश है और उस प्रकाश के कारण ही उसकी महिमा है। जैसे सूर्य की प्रभा संसार के अंधकार को समाप्त कर देती है, वैसे आपकी प्रतिभा अज्ञानियों के अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त कर देती है। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं। सोनकादि महात्माओं ने कहा, सूताख्याय ही कथा सारम। मैं कथा का विस्तार नहीं सुनना चाहता, कथा का सार सुनना चाहता हूं, क्योंकि कथा का विस्तार इतना है कि एक नहीं आप हजार जन्म लेकर के भी संपूर्ण भागवत की कथा या संपूर्ण भगवान की कथा सुनना चाहे तो सुन नहीं सकते। इसलिए गोपांगनाओं ने कथा की महिमा गाते हुए यही कहा, तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवि विरीतम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्री मदाततम आततम व्याप्तम भोवि गृहन्ति ते भूरिदा जना। इस संसार में भूरिदा है वो लोग
बहुत देने वाले वो लोग हैं जो आपकी कथा का दान करते हैं। सच में कथा का बहुत बड़ा विस्तार है। इन्होंने कहा कथा का विस्तार नहीं, कथा का सार सुनना है। आप लोग सोचते होंगे कथा कहते किसको है, या आपके चित्त में एक बात और भी आती होगी कि कोई व्यासपीठ पर बैठ करके कुछ बोलने लगे और नीचे बैठकर लोग सुनने लगे, इसका नाम कथा है। नारायण सच कहें कथा उसका नाम है जो आपके जीवन को, जीवन की व्यथा समाप्त करके आपके जीवन को रस से भर दे, उसका नाम कथा है। जिसको सुनकर के व्यथा समाप्त न हो वो कथा है ही नहीं। मैं तो गारंटी से कहता हूं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, चाहे शारीरिक ताप हो चाहे मानसिक ताप हो, चाहे देवताओं के द्वारा प्रदत्त ताप हो, आप जब कथा में बैठेंगे सारे के सारे ताप समाप्त हो जाएंगे। हमने तो ऐसा प्रयोग करके देखा है कि शरीर में 103 बुखार है और कथा के चिंतन में बैठे तो कहां ताप चला गया पता ही नहीं चला। तो सचमुच में जो पाप ताप संताप मिटा दे उसका नाम कथा है। कथनम कथा तो है ही, किंतु एक और अर्थ बहुत रसीला है जो ऋषियों के द्वारा प्रदत्त है। कामाने होता है प्रेम और थामाने स्थापित करना। जो आपके अंतकरण में, आपके हृदय में भगवान के प्रेम की स्थापना कर दे उसका नाम कथा है। मैं सच कहूं जो आपके शरीर को चलता फिरता मंदिर बना दे, आपके शरीर को चलता फिरता मंदिर बना दे उसका नाम कथा है। हमारा शरीर, आपका शरीर चलता फिरता मंदिर बन जाए। आप कहोगे शरीर चलता फिरता मंदिर कैसे? अरे मंदिर में परमात्मा की स्थापना होती है। और एक बात कहें, कृष्ण और कृष्ण प्रेम ये दो नहीं है, दोनों एक ही है। प्रेम और परमात्मा में फर्क नहीं है, प्रेम और परमात्मा दोनों एक है। तो आपके हृदय में प्रेम की स्थापना हो जाए अथवा परमात्मा की स्थापना हो जाए, दोनों बात एक ही है। कम प्रेम स्थापयति कथा, आप भगवान के प्रेम की स्थापना कर दीजिए, ऐसी कथा सुनाइए। ऋषियों के हृदय में जीव मात्र के लिए बड़ा करुणा का भाव है। हमारे ऋषियों ने विचार किया कि समय घनघोर कलयुग तो अभी आया नहीं, उसके पूर्व ही एक बड़ी दयनीय दशा हो रही है। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः। इस घनघोर कलयुग में जीव असुरता को प्राप्त हो रहा है। आप कहोगे असुरता को कैसे प्राप्त हो रहा है? हमारे एक संत थे संत चरण, पूज्य वामदेव जी महाराज, विरक्त शिरोमणि वामदेव जी, मैं उनका विद्यार्थी रहा। पूज्य महाराज जी एक बात बड़ी पीड़ा से बोलते थे। महाराज जी कहते थे कि जब से सृष्टि बनी है तब से सृष्टि में देवता भी रहे हैं, दैत्य भी रहे हैं, मनुष्य भी हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं। ऐसा नहीं कि कलयुग में कुछ बढ़ गया है। कलयुग में यदि कुछ बढ़ा है तो एक काम बढ़ा है। क्या बढ़ा है? द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में जो असुर होते थे, वो असुर अंदर से भी असुर होते थे और बाहर से भी असुर होते थे। किंतु कलयुग में एक बड़ी विडंबना हो गई। कलयुग में लोग ऊपर से तो मनुष्य हैं किंतु अंदर से असुर बन गए। ये ज्यादा खतरनाक है। जैसे कोई ऊपर से साधु बना हो अंदर से दुष्ट हो,
तो खतरनाक ज्यादा है, क्योंकि व्यक्ति उसके पास साधु समझ कर जाएगा, सज्जन पुरुष समझ कर जाएगा, मारा जाएगा। वैसे ऊपर से कोई मनुष्य हो और अंदर से असुर हो तो ज्यादा खतरनाक है। इस कलयुग की दशा यही हो गई, ऊपर से हम लोग मनुष्य दिखते हैं किंतु अंदर से हम असुर बनते चले जा रहे हैं। आप कहेंगे कि अंदर से असुर कैसे बनते जा रहे हैं? असुर शब्द का अर्थ क्या है? असुर शब्द का अर्थ यही कि दूसरे के प्राणों में रमण करे, उसका नाम असुर है। आजकल अर्थ के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, धन के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। आप कभी विचार करना, कभी चिंतन करना, मुझे तो कई बार बहुत पीड़ा होती है गायों से भैंसों से दुग्ध निकालने के लिए जो इंजेक्शन आदि का प्रयोग किया जाता है वो स्लो पॉइजन है। महाराज कितना बड़ा अन्याय है, आप कभी विचार कीजिएगा। छोटा सा बच्चा जो अभी दूध पर जीवित है, गाय का बच्चा हो या भैंस का बच्चा हो, अभी घास नहीं खाता है, पानी नहीं पीता है, किंतु उसको भरपेट दूध नहीं पिलाया जाता। क्यों नहीं पिलाया जाता है? क्योंकि दूध वो पी जाएगा तो हम बेचेंगे क्या? अब जिस बच्चे को यदि मां का दूध ना पीने दिया जाए पूर्ण रूप से, उस बच्चे का दूध छीन लिया जाए, इससे ज्यादा दुष्टता का और व्यापार क्या हो सकता है? आप अन्य और विचार कीजिए। आज टीवी में हम लोग देखते रहते हैं, फल ठीक बने रहे इसलिए उसको केमिकल से धो देते हैं, तेजाब से धो देते हैं, सब्जियों का आकार बढ़ जाए इसलिए उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं। भैया किसके लिए लगा रहे हो? ज्यादा वजन बढ़ जाएगा तो पैसा मिल जाएगा। इन फलों को, इन सब्जियों को लोग खाएंगे, कैंसर जैसी बीमारी होकर तड़फेंगे। कभी तुमने विचार किया इस पर? एक नहीं, मैं तो आपको केवल एक आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी ढंग से आप भी अपराधी पाए जाएंगे, हम भी अपराधी पाए जाएंगे। हमारे श्री सोनक आदि महात्माओं ने कहा, इनके शोधन का क्या उपाय है, इनको कैसे शोधित किया जाए? और कृष्ण प्राप्ति करम सरस्वत, भगवान श्री कृष्ण की सरस्वत प्राप्ति कैसे हो? देखो भाई, सगुणोपासना के आधार पर आप श्री कृष्ण के दर्शन तक अपनी चित्तवृत्ति को ले जा सकते हैं। होता है, होता रहा है, हो रहा है। जाने कितने साधकों को, जाने कितने आराधकों को, जाने कितने प्रेमियों को परमात्मा के दर्शन होते रहे हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। किंतु क्या परमात्मा वह सदा रह पाया उनके साथ? आज पता नहीं, मैं अपने को बाद में बहुत सजग कर लिया। कथा के प्रारंभ में इधर हमारे आचार्य चरण वेद ध्वनि कर रहे थे और हमारी चित्तवृत्ति पता नहीं कहां से श्री किशोरी जी के चरणों में ऐसी डूबी कि मेरे चित्त में एक भाव आया कि मैं श्री किशोरी जी का संदेश लेकर के द्वारिकाधीश के पास आया हूं और उनका प्रेम भरा संदेश 7 दिन तक सुनाता रहूं। हम ब्रजवासी हैं, श्री किशोरी जी के प्रेम में रचे पचे हैं, उनका प्रेम ही हमारा जीवन है। मैं आपको सच कहूं, मैं श्री कृष्ण का प्रेमी हूं। द्वारिका कितनी बार आना हुआ, ये 3री बार कथा सुनाने के लिए आया हूं, किंतु पता नहीं जब भी मैं द्वारिका आता हूं तो मुझे प्रसन्नता नहीं होती है, बहुत आह्लाद नहीं होता, बहुत आनंद नहीं होता है कि मैं द्वारिका में हूं। कहीं ना कहीं ब्रजवासियों की टीस, प्रेमियों की टीस हमारे चित्त में समा जाती है और श्री कृष्ण को कुछ कहने का मानस होता है, श्री कृष्ण को कुछ सुनाने की इच्छा होती है,
उनकी भगवत्ता से मुझे कोई विरोध नहीं है, किंतु कहीं ना कहीं एक बात तो जरूर लगती है, क्या प्रेम का प्रतिदान विरह में ही है क्या? क्या प्रेम की परिसमाप्ति तड़फने में ही है क्या? कहीं ना कहीं तो प्रेम की परिसमाप्ति शांति में होनी चाहिए, सुख में होनी चाहिए, आह्लाद में होनी चाहिए, किंतु यह विरह की वेदना इतने काल तक सहनी पड़े। सोनक आदि ने यही प्रश्न उठाया है कि श्री कृष्ण की सरस्वत प्राप्ति कैसे हो, एक बार ऐसी मुलाकात हो कि कभी बिछुड़ना ना हो। ध्यान रखना, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, मछली वहीं सुखी रहती है जहां गहरा जल होता है। अगर गहरा जल नहीं होगा तो मछली वहां प्रसन्न नहीं रहेगी। जल कम होने लगता है तो मछली घबराने लगती है, क्योंकि उसके चरण तो है नहीं कि वह चल करके इस जल से उस जल में चली जाएगी, इस तट से उस तट में चली जाएगी। जिसका जीवन ही जल हो उसे घबराना पड़ेगा अल्प जल में। तो मछली वहीं प्रसन्न रहती है जहां नीर अगाध है। हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुखी मीन जहां नीर अगाधा जिम।